okay, dear students, welcome to the question paper 2024 pre-exam. you have taken a sigh of relief after observing the question. and first of all, i will prefer to do the you can say trend analysis in the question paper. Okay, previous year, if you will compare this paper with the previous year paper, it is really a very pleasant surprise. दे हैव जस्ट ट्राइड टू स्लाइटली रिड्यूस तो नहीं लेकिन हाँ एंड इट विल्पिटिशन यू कैन से मतलब क्वेश्चन इजी होने से कॉम्पिटिशन कम नहीं हो जाता फिर भी बहुत हद तक स्टूडेंट्स को राहत मिलती है तो लेट एस स्टार्ट विदिक ट्रेंड एनालिसिस फर्स्ट मतलब पहले हम लोग टेन एनालिसिस करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व दिस ऑब्जर्व द डायग्राम एंड द डिफरेंट सेगमेंट्स इन यून स्टडीज यू विल कम टू नो यूपीएससी हैज ट्राई एट ट्राइड एट इट्स बेस्ट टू डू सम सॉर्ट ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब उसने कोशिश की है कि कुछ हद तक हम क्वेश्चन के भी समानता बरते हंड्रेड परसेंट इक्वलिटी एंड लेवल प्लेइंग इज नॉट पॉसिबल

अब 16 क्वेश्चंस यू फाइंड द स्लाइड डिफरेंस बिटवीन द टू बिकॉज़ देयर वाज अ ट्रेंड कि इन फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द साइड ऑफ और यू कैन से फ्रॉम द साइड ऑफ हिस्ट्री वाज पॉसिबली फॉलिंग बिटवीन समथिंग 22 एंड 20 मतलब कि वो 20 और 22 के बीच हिस्ट्री से क्वेश्चंस वैरी करते थे हर साल बट द प्रीवियस ईयर दे रिड्यूस द नंबर टू थर्टी एंड दिस ईयर टू ट्वेल्व बट इट इज़ नॉट अ कॉमन ट्रेंड इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सरप्राइज इफ द इफ नेक्स्ट ईयर यूल फाइंड वनस अगेंड द ट्वेंटी क्वेश्चन और एटीन क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ हिस्ट्री जोग्राफी में थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाया है बिकॉज प्रीवियसली यू फाइंड एलेवन टू ट्वेल्व क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ जॉग्रफी बट नाउ इट हैज़ रिस्ड अप टू सिक्सटीन सो यू कैन से प्रिजेंट सरप्राइज हेयर जोग्राफी में उन्होंने कम से कम फाइव टू सिक्स क्वेश्चन किया है तो ये 16 questions आ गए। अब आती है इनवायरमेंट तो इन्वायरमेंट में लगभग यही trend होता है 11 to 12 questions का। इस बार भी साइड ऑफ एनवाइ एंड इकोलॉजी मतलब जो पर्यावरण है और पारिस्थिति की उससे ग्यारह क्वेश्चन और बारह क्वेश्चन पूछते रहे हैं इस बार भी उन्होंने वही किया है इलेवन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे उसके बाद आपका आता है साइंस एंड साइंस टेक साइंस टेक से टेन क्वेश्चन है थोड़ा सा कम है क्योंकि रिसेंट में जो उनका ट्रेंड था उसमें दे कंटिन्यू टू आस्क मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द साइड ऑफ क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा उन्होंने कम किया है तो चलिए ये भी अपने आप में अच्छा ही है एंड देन कम्स द टर्न ऑफ पॉलिटी इन पॉलिटी दे हैव अप टू क्वेश्चंस सो इट इज अ जनरल ट्रेंड इन पॉलिटी दे वेर जस्ट आस्किंग यू 15 to 16 questions per, uh, uh, every year. So, 16 पर वो वो लगभग कायम है, उन्होंने पूछा है। और फिर बारी आती की। तो से उन्होंने फिर uh, लगभग 12 क्वेश्चंस पूछा है आपका तो चलिए इकोनॉमी में भी यही ट्रेंड रहा लगभग इफ यू आर नॉट गोइंग टू काउंट करेंट अफेयर करेंटेर साइडी बात आर की तो देख फोर क्वेश्चन आई आर का यही ट्रेंड रहा है इंटरनेशनल रिलेशन का अर्लियर दे वेर नॉट आस्किंग क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन बट सिंस द लास्ट टू टू थ्री इयर्स दे हैव कंटिन्यू टू आस्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट एज वेल वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से पूछने लगे हैं और चार क्वेश्चन है देन कम्स द टर्न ऑफ करेंट अफेयर्स प्रीटी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द करेंट देर ऑफ क्वेश्चन तो इस बार भी उन्होंने पूछा है तो यही आपका है ट्रेंड एनालिसिस बट दिस इज नॉट स्टैटिक दिस इज डायनेमिक एवरी इ ट्रेंड इज गोइंग टू मेक स्टेंज लेकिन पिछले साल से लगभग यही उनका रहा है कि कुछ हद तक उन्होंने yeah, बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन आपके रीच के अंदर है अब चलिए अब एक दूसरा ट्रेंड बताता हूं अब ब्रेकअप आते हैं जस्ट वन मिनट अब पहले आते हैं देखिए अब स ब्रेकअप जैसे सिक्सटीन क्वेश्चनल फ्रॉम साइड इसमें आप कह सकते हैं जो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है जैसे गवर्नमेंट स्कीम है तो उसमें ट्वेंटी एट परसेंट क्वेश्चन है बट यू शुड नॉट वी गेट सरप्राइज विदर्म ट्वेंटी एट परसेंट टोटल नंबर ऑफ फाइव क्वेश्चन बिकॉज फाइव फोर वन यानी टेन फोर्टीन टू एटीन टोटल इन एटीन क्वेश्चन से अब इसमें थोड़ा सा आपको मैंने सिक्सटीन काउंट कराया था जस्ट वन मिनट बट हमारी मार्किंग हो नहीं आपका करेंट अफेयर से टोटल एटीन क्वेश्चन था मैंने यहाँ के पैटर्न में सिक्सटीन बताया आपको सो मेक सॉरी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ यू कैन से मिसकॉन्सेप्शन

करेंट साइड इकोनॉमी इज फोर क्वेश्चन बट परसेंटेज इज ट्वेंटी टू एंड इन्वॉर्मेंट करेंट साइड ऑफ इन्वॉर्मेंट इज दैट इज फोर क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल्सो ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ द टोटल क्वेश्चन तो यही पांच क्वेश्चन चार एक और इकोनॉमी uh, से भी आप देख रहे हैं चार क्वेश्चन हैं आपके और इन्वॉर्मेंट से भी तो इस तरह से आप देखते हो कि टोटल आपका ब्रेकअप है ना फाइव फोर वन फोर एंड फोर अब वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड टाइप ऑफ ट्रेंड इज ट्रेंड विजिबल तो नेचर ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन का नेचर क्या है तो फोर्टी परसेंट क्वेश्चन थियरी बेस्ड क्वेश्चन टेक्सट एंड थियरी पॉलिटी इकोनॉमी एटसेट्रा तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन फोर्टी परसेंट क्वेश्चन

एंड एवरी सेगमेंट इज अब्जेक्ट इन इट सेल्फ इज इट पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट टू डू द रोट लर्निंग इन एवरी सेगमेंट एंड टू एक्वायर द नॉलेज थ्रो रोट लर्निंग नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल मतलब देखो टोटल तेरह पार्ट होते हैं और सभी पार्ट अपने आप में एक सब्जेक्ट है पॉलिटी एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है इकोनमी एक सब्जेक्ट है अब इतने में कोई अगर मेमोराइज करके यह दावा करे कि हम इसको याद रखेंगे तो ये तो सीधे मुंह के बल गिरने के बराबर है वो तो एग्जाम के एक दिन पहले तक जाके एक दिन क्या फिफ्टीन डेज टेन डेज पहले मतलब ही विल जस्ट ही विल जस्ट यू कैन से सरेंडर बिफोर द एग्जामिनेशन क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं तो हमने हमेशा प्रेफर किया है कि कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और एग्जाम्पल में हर जगह फैक्ट डला रहे हैं यू हैव टू मेक एन स्ट्रक्चर

हम सेफ पॉइंट से हमेशा ज़्यादा रहेंगे लेकिन हम जिसको हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं उसे भी हमें स्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा जो मैं आपको डिस्कस करूंगा डिटेल्स में हमारी पूरी टीम डिस्कस करेगी ये बात जो हम आपसे जो मेंस के क्लास है और जिसमें हमारी चर्चा होगी हम जो फाइव ओपन क्लास रखा है उसमें पूरा यूपीएससी के प्रिपरेशन पर ही आप हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि हम कौन सी नई स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि कौन सी सबसे सुटेबल स्ट्रेटेजी होगी इतनी चीज़ें याद रखने की सो माई स्टूडेंट्स सो वंस अगेन द प्रेजेंट सरप्राइज इवन फॉर मी बिकॉज द क्वेश्चन आर आफ्टर ऑल दैट इज नॉट बिहड आवर पेरी फ्री एंड कंट्रोल एंड वी कैन डू बेटर इवन इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड बस इसको जारी रखी और जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं वो अपने अभी से अपने आप को कमर कसने के लिए तैयार हो जाएगी थैंक यू वेरी मच